Assalamualaikum everyone. In today's lecture, we are going to discuss the experiment number 3 of physiology. In the first lecture, we have experiment number 2 ko discuss kiya tha, which is about the arterial blood pressure. Usme humne detail bhi dikhi thi ki arterial blood pressure ki types kitni hai, and then we discuss how to measure this by the stethoscope and different instrument. Humne pura procedure dikha tha ki is tarah se humne isko measure karna hai, aur different diagrams ke liye humne experiment ko cover kiya tha. Aaj ke lecture mein hum logon ne determination of ब्लीडिंग टाइम ऑफ ब्लड बाय ट्यूब मेथड को हम रिसन है. ब्लीडिंग टाइम हम आज के एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट करने वाले हैं. सो इसके मुताबिक सारी इन्फॉर्मेशन है और सब कुछ आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा. बिल्कुल आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल की कॉपीज बनी हुई मिलेंगी, सारा मटेरियल लिखा हुआ मिलेगा और इसलिए समझाऊँगी भी सही मैं लेक्चर में उनको आपको. और आपने बस मैंने सिर्फ यही छोटा सा काम करना है कि आपने एक बटन प्रेस करना है और वो कौन सा है, सब्सक्राइब का. आप सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को, लाइक करें ताकि मुझे उसका रिवॉर्ड मिल सके, मुझे उसका प्राइज़ मिल सके. और आई होप कि आप लोग ऐसे ज़रूर करेंगे और मेरी रिक्वेस्ट पर ज़रूर पूरा उतरेंगे. और चलिए आप मुझे वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम मैं ज़ाया नहीं करूँगी. सो हाँ जी, तो अब हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करा है, ब्लीडिंग टाइम. ब्लीडिंग टाइम क्या होता है कि ब्लीडिंग टाइम इज़ अ टाइम इंटरवल बिटवीन द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द ब्लड अप टू द लास्ट ड्रॉप ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग टाइम. अब ब्लीडिंग टाइम क्या चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी फिंगर है, ठीक है, और मैंने अपनी फिंगर को, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अब वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी फिंगर को यहाँ से प्रिक किया दिया, यहाँ से प्रिक किया दिया और मेरा ब्लड यहाँ से आना शुरू हो गया. अब मेरा सबसे पहले क्या होगा कि फर्स्ट ड्रॉप आएगा ब्लड का. सो मैं टाइम कैलकुलेट करूँगी. ब्लीडिंग टाइम ऐसे आपने कैलकुलेट करना है कि आपने पिक करना है, पिक करने के बाद आप स्टार्ट ही साथ ही स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे. आपका ब्लड फर्स्ट ड्रॉप आएगा, फर्स्ट ड्रॉप को आप अपने जो फिल्टर पेपर होगा उस पर आप यूँ पेस्ट कर दोगे. फिर आप देखोगे और ड्रॉप आपका निकलेगा, ठीक है, आप साथ टाइम स्टॉप वॉच आपकी चल रही होगी, उस ड्रॉप को आपने फिल्टर पेपर पे ऐसे रख देना है. फिर तीसरा ड्रॉप इस तरह आएगा जब तक लास्ट में आपके पास क्या होगा कि ब्लड आना बंद हो जाएगा. क्यों बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिसके जरिए से हमारे ब्लड को बाहर निकलने से रोका जाता है. तो ये जो टाइम इंटरवल होगा कि आपका पहला ड्रॉप निकला और अप टू द लास्ट ड्रॉप तक कितना टाइम मिल लेता है आपका, वो ब्लीडिंग टाइम कहलाता है, ठीक है. तो नॉर्मल रेंज क्या होती है, वो 2 से 6 मिनट्स होती है. सो 2 से 6 मिनट्स में ही आपका जो ब्लड है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है. सो अब हम लोग देखते हैं कि इसीलिए आप अपरेटस क्या क्या यूज़ करोगे. आप फिल्टर पेपर यूज़ करोगे, उसी पे आपने पेस्ट करना है. स्पिरिट स्वैब यूज़ करोगे, स्टेलाइज लैंडसेट यूज़ करोगे. लैंडसेट से आप अपनी फिंगर पिक करोगे, उससे पहले आप स्पिरिट स्वैब से अपनी जो है वो क्लीन करोगे अपनी फिंगर को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, आपको कोई जो है एलर्जी से आप बचे रहो. इसके साथ साथ आपने स्टॉप वॉच यूज़ करनी है ताकि आप टाइम को कैलकुलेट कर सको. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, अगर हम ये क्यों करें, हम ब्लीडिंग टाइम को क्यों कैलकुलेट करें, एक्चुअली इसकी बहुत क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है. और हम इसको क्यों कैलकुलेट करें, सबसे पहले कि ब्लड वेसल में डिफेक्ट्स, ये डिटेक्ट करता है कि ब्लड वेसल में कोई डिफेक्ट है या नहीं है. सेकंड, प्लेटलेट एग्रीगेशन कितना है, कि हमारी प्लेटलेट्स, आपको पता है कि जब भी कोई ब्लड क्लॉट बनता है तो वो प्लेटलेट की वजह से बनता है. सो हम ये इसी तरह देखते हैं कि कितना हमारा प्लेटलेट जो है वो एग्रीगेट कर रहा है, ठीक है. तो अगर हमारे किसी डिफेक्ट है किसी जगह पे, हमारा ब्लीडिंग टाइम जो है नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आ रहा है, तो हमें पता लग जाएगा कि कोई ना कोई डिफेक्ट है हमारे प्लेटलेट के एग्रीगेशन में, प्लेटलेट्स के अंदर हमारे ब्लड प्रेशर में कोई डिफेक्ट है. तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह की डिजीज़ इस पर्सन को हो सकती है. इसके लिए हम पता लग जाएगा कि इस पर्सन को कहीं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब ये होता है कि प्लेटलेट कम होना. किसी पर्सन के अंदर जब प्लेटलेट कम होता है तो उसको भी ब्लड क्लॉट नहीं होता है. इसका नॉन वाइट ब्लाइंड डिजीज़ तो नहीं, इसका नॉन वाइट ब्लाइंड डिजीज फैक्टर जो है मेजर ब्लड का कोगुलेंट फैक्टर है. नॉन वाइट ब्लाइंड क्या है, ये एक फैक्टर है, और इस फैक्टर अगर ये ना हो तो वो डिजीज़ जो होती है उसको हम नॉन वाइट ब्लाइंड
ब्रांड डिजीज कहते हैं। सो ये क्या करता है कि प्लेटलेट्स को स्टिक करवाता है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं कि इस तरह के जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, इनको आपस में स्टिक करवाने के लिए ये फैक्टर यूज होता है। अगर ये फैक्टर नहीं होगा, प्लेटलेट्स स्टिक नहीं होंगे और क्लॉट नहीं बनता, इस वजह से हमारा ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली बाहर आता रहता है। सो आप प्रोसीजर क्या करोगे, आप किस तरह एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे, सबसे पहले आप क्लीन करोगे अपने फिंगर को स्पिरिट स्क्रैप से और फिर इसको ड्राई करोगे, फिर आपने अपने पंचर करना है अपने फिंगर को, आप उसमें लैंसेट करोगे, स्टेलाइज लैंसेट आपने यूज़ करना है, इसका यूज्ड लैंसेट आपने कभी भी यूज़ नहीं करना है, इस तरह से बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। सो इस वजह से आपने स्टेलाइज यूज़ करना है, लैंसेट यूज़ करने के बाद आपने उसको फेंक देना है और आपने तकरीबन 3 मिलीमीटर डीप तक अपने फिंगर में, ये फिंगर में 3 मिलीमीटर डीप तक आप इसको जो है वो प्रिक करोगे। इसके बाद साथ ही आपने स्टॉपवॉच को ऑन कर देना है जैसे ही आप फिंगर को प्रिक करोगे। सो पहला ब्लड का ड्रॉप आएगा, आपने रीडिंग लेते जाना है और उसको फिल्टर पेपर पे रखते जाना है। देन अगेन क्लॉटेड ब्लड हर 30 सेकेंड के बाद ना आपने वो ब्लड का जो है वो डालते जाना है, ठीक है। पहला 30 सेकेंड गुजरेंगे आप फर्स्ट ड्रॉप डालोगे, फिर 30 सेकेंड गुजरेंगे आप सेकेंड ड्रॉप डालोगे, ठीक है। तो आपने इस प्रोसीजर को हर 30 सेकेंड के बाद रिपीट करना है टिल द लास्ट ड्रॉप आपका जब तक नहीं आता। साइज ऑफ ब्लड स्ट्रेन जेजरी डिक्रीजेस, तो जो आपका ब्लड स्ट्रेन का जो साइज़ है पहले वो बड़ा आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जाएगा क्योंकि ब्लड जो है वो क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने फिर नाइट का दिन है अपना जो आप नोट करोगे, आई नोटेड द ब्लड रीडिंग विच इज़ 3 सेकेंड, तो मैंने यहाँ आई की जगह इतने आदमी से आप कट डाउन कर दोगे। सो फाइनली देयर इज नो स्पॉट अपीयर ऑन द फिल्टर पेपर, जैसे ही कोई स्पॉट ना अपीयर हो आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना बंद कर देते हैं, आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया है। एंड में हम एक्सपेरिमेंट प्रिकॉशन देखते हैं कि आपने कोई डीप कट नहीं देखना है, डॉट अप्लाई प्रेशर, कभी भी अपने फिंगर पर प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, फिंगर टिप शुड भी प्रॉपरली स्टेलाइज होनी चाहिए, अपना लैंसेट यूज़ करें और बाय रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट, जैसे आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हो तो आपने दूसरे कोई लैंसेट यूज़ करना है, वापसी यूज़ किया लैंसेट यूज़ नहीं करना है क्योंकि उसमें डिफरेंट इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रिकॉशंस आपने अपने माइंड में रखनी है। सो अब मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ जिससे आपने ये करना है। अच्छा, ये आपकी ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं, ये आप लोग देख रहे हो कि आपका ये पहला प्लॉट आया है, देखिए इसका साइज कितना बड़ा है, फिर दूसरा प्लॉट आप देख सकते हैं कि कितना थोड़ा आया है, फिर तीसरा प्लॉट बिल्कुल थोड़ा सा आया है। सो ये आपके हर सेकंड के बाद देखते रहना है कि क्या इसका आ रहा है हर 30 सेकंड के बाद, और फिर अपने ब्लीडिंग टाइम आपने नीचे राइट डाउन कर देना है कि मेरा ब्लीडिंग टाइम 60 है। सो इस तरह से आपके क्लिक करके एंड में रिजल्ट लिखते हो गए, सो ये आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाएगा। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो फिर गेन करवा देती हूँ मैं टाइम इंटरवल जो हम मैयर करते हैं फर्स्ट ड्रॉप से लास्ट ड्रॉप तक, उसको हम ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। अब डेटा से आपको पता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, डिफरेंट डिजीजेज जैसे ब्लड वेसल का डिफेक्ट, प्लेटलेट एग्रीगेशन का, साइटोपेनिया का डिफेक्ट, नॉन रेलिवेंट फैक्टर का डिफेक्ट, इसके अलावा डिफरेंट डिजीज़ के जो है वो डिफेक्ट की आपको बता रहा होता है। इसके प्रोसीजर फिर आप लोगों ने देखा कि किस तरह फाइंड आउट इसको करना है, प्रिकॉशन देखिए, और एंड में हमने फिल्टर पेपर का किया हुआ हमने वो भी किया। सो ये ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट हमने राइट अप कर लिए। आई होप कि आपको आज के लेक्चर समझ में आया होगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर इस वीडियो को एंड मत कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और उसके बाद अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।